तो क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दी चैनल फराज बाइकर। तो टुडे वी हैव भाई रॉयल एनफील्ड हंटर 350। तो भाई इतनी ज़्यादा अमेजिंग बाइक है भाई। एक तो पहले रॉयल एनफील्ड ने भाई इसके अंदर क्या चेंज किया है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी ये बाइक। रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट करके आती है क्लासिक, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बाइक थी भाई, उसको एकदम छोटा सा कर दिया भाई, एकदम छोटा सा। इतनी सी भाई मिनी सी देख रहे हो, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है भाई ये बाइक, इतनी छोटी कर दी है एक्चुअल में भाई। यार कितनी प्यारी बना दी है यार, ब्यूटीफुल मशीन बना दिया इस बाइक को रॉयल एनफील्ड ने। बुलेट बुलेट लवर बुलेट अपनी जगह है, एंड ये भाई हंटर राइडर कम्युनिटी में आई है नई नई, एंड भाई ये अपनी जगह है। तो ये बाइक के अंदर भी अपना जो क्लासिक के अंदर आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता था, सेम इंजन इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो पहले वाली बाइक पर इंजन आता था वही इंजन इस बाइक में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी भाई ABS बुलेट में नहीं आते थे, इसमें ABS दे रखे हैं। अब शायद ये सिंगल चैनल है भाई, ABS इसमें फ्रंट में भी है एंड बैक में भी है। बाकी भाई बाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है दिखती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग बाइक दिखती है ऑल अराउंड यार। लुक यार, एंड ये स्पीडोमीटर चेक करो यार इसका, ये देखो जी ये भाई स्पीडोमीटर भी भाई इसका बहुत ज़्यादा यूनिक सा दे रखा है। एंड स्पीडोमीटर के अंदर रॉयल इनफील्ड की बैचिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। एंड भाई इसका जो इग्निशन है मैं वो भी दिखा देता हूँ, पहले न्यूट्रल करता हूँ इस बाइक को ना। तो भाई देखो मैं आप लोगों को इसका इग्निशन दिखाता हूँ भाई, ये स्विच चेक कर लो एक बार ही ना, इस साइड आपको ऑफ हो जाएगा, इस साइड ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको इस साइड करूँगा भाई साहब, इतनी प्रीमियम तरीके से स्टार्ट होती है। तो कोल्ड स्टार्ट किया है मैंने इस बाइक को, अभी आप लोग चेक कर लो इसकी साउंड, ये देखो। अभी मैं इसको आपको राइड रिव्यू भी देने वाला हूँ, हमारे भाई की ये बाइक है, ये देखो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड लग रही है मेरे को इस बाइक के अंदर यार। अभी मैं इस बाइक को एक राउंड लेने जा रहा हूँ, टेस्ट राइड करता हूँ कैसी पावर है, कैसी परफॉर्मेंस है भाई। बाइक बहुत बढ़िया लगी मुझे ये, तो अभी चलाते हैं इस बाइक को एक बार और चेक करते हैं भाई। कम्फर्ट की बात करी जाए यार, एक्चुअल में कम्फर्ट है यार। ओ भाई 50+ चली गई है, तो काफ़ी पावर भी है यार कंफर्ट के साथ साथ भाई। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इस बाइक के अंदर, ओ भाई कि मेरा क्लच से हाथ छोड़ गया एकदम भाई, मैं खाली रोड पर हूँ अभी। एंड भाई क्रेजी पावर है यार इस बाइक के अंदर में ना, ये देखो भाई दूसरे गियर में 79 के आसपास चली गई यार भाई, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा पावर है यार इस बाइक के अंदर भाई। ओ भाई अमेजिंग मशीन है भाई, अमेजिंग मशीन है सही में भाई, मज़ा आ गया कसम से, लिटरली बता रहा हूँ भाई। अगर आप लोग टूरिंग लवर हो तो ये बाइक भाई आँख बंद करके ले सकते हो भाई, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक भाई। इतनी ज़्यादा अच्छी बाइक है भाई, आप इस बाइक को आराम से ट्रैवल कर सकते हो भाई, आराम से लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो। मैं चला रहा हूँ भाई, मुझे पता है काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रही है बाइक, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर दे रही है। एंड दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये बाइक भाई अच्छे से कंट्रोल है इस बाइक का, ब्रेकिंग ये देखो, ब्रेकिंग की बात करी जाए काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग भी है भाई इस बाइक की यार, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है भाई ऑल अराउंड भाई, मज़ा आ गया। तो मैं यहाँ से अभी बाइक को मोड़ता हूँ, तो भाई काफ़ी अच्छी बाइक लगी है मुझे। एंड भाई लाइट वेट है यार एक्चुअल में बताऊँ तो, भाई तो बात करी जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बाइक के ऊपर बैठने के बाद, तो लग ही नहीं रहा कि हम कोई बुलेट टाइप 350 cc के इंजन वाली गाड़ी चला रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा लाइट वेट गाड़ी एंड काफ़ी अच्छी बाइक है भाई, मज़ा आ गया परफॉर्मेंस के हिसाब से बाइक को चलाने के बाद में। ब्रेकिंग अच्छी है बाइक की, पावर भी अच्छी है, और भाई एक तो कम्फर्ट की तो बात ही नहीं, एकदम शाही सवारी आराम से, कोई बैक पेन वाला सीन नहीं है, स्पोर्ट्स वाली मतलब फुल नेकेड वर्जन। एंड भाई लाइट वेट बहुत ज़्यादा है, मज़ा आ गया गाड़ी को देखने के बाद में। एंड भाई इसकी लुकिंग वाइज भी यार गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी आ गई कि बस ये मीटर देखो भाई कितना प्यारा लगे भाई। गाड़ी को खींचते हैं ना, ठीक है, पहले गियर में 45 80। ओ भाई साहब 0 to 100 भी भाई इसका बहुत जल्दी पकड़ दे रहा है ना गाड़ी का, बहुत जल्दी पकड़ दे रहा है भाई। एक्चुअल में मज़ा आ गया इस गाड़ी को चलाने के बाद, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे इस बाइक के अंदर में भाई, एक्चुअल में मज़ा आ गया। पावर भी अच्छी है एंड भाई ब्रेकिंग भी अच्छी है इस बाइक की, और क्या ही चाहिए भाई, और क्या ही लोगे इस सेगमेंट में, और क्या चाहिए। ऐसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया भाई इस बाइक को चला के कितनी ज़्यादा पावर है यार इस बाइक के अंदर भाई, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावर है। तो अभी मैं इस बाइक के ऑनर को भी बुला लेता हूँ, ऑनर से पूछ लेते हम इस बाइक को आप लोग भाई कितना ज़्यादा अच्छी है बाइक लगी भाई। सच में मैं बताऊँ तो मज़ा आ गया इस बाइक को चलाने के बाद।
तो भाई अभी मेरे साथ हैं इस बाइक के ऑनर भाई, आपका नाम? नवलदीप भाई। तो भाई आपने ये बाइक क्या सोच के ली थी? ये बाइक आपने परफॉर्मेंस देख के, बाकी मार्केट में काफी अच्छी चल रही है, R15 थी। अच्छा, R15 भी अपनी जगह है या अपनी जगह? हाँ, तो भाई ने सबसे पहले हमारे सामने एक बात रखी इस बाइक के लिए, परफॉर्मेंस देख के। वो भाई मैं एक बार पहली बार चला के इस बाइक को समझ गया, वाकई में कुछ परफॉर्मेंस है इस बाइक की। तो भाई इनिशियल ओके, अच्छा कुछ भी वाइब्रेशंस फील नहीं होते? ओके, तो बाकी बुलेट वगैरह में काफी वाइब्रेशन मिलती है, बाकी इस हंटर के अंदर कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो, मुझे भी नहीं लगा। इंजन तो वही है, हाँ इंजन क्लासिक वाला ही है। बाकी इस बाइक का जो वेट है वो कंपनी ने काफी ज्यादा कम कर दिया है, 180 पहले कितने, 240 240-245। सोचो भाई कम से कम स्पोर्टी लुक है, 50 किलो के आसपास कम कर दिया, और सबसे बाइक काफी लाइट वेट है, एंड पावर भी बढ़ गई गाड़ी की। और ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ब्रेकिंग तो बहुत बढ़िया लगी। ओहो सच में, मेरी R15 देती है लगभग 28 का एवरेज, अब सोचो ये कितनी बढ़। नहीं, मेरी बाइक का एवरेज पहले 45 का था, जब से एग्जॉस्ट लगाया बाइक में एवरेज बिगड़ गया, तब से एवरेज बिगड़ा है। तो भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस रही, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, भाई आपकी बाइक चला के मजा आ गया, काफी अच्छी चल रही है बाइक आपकी। तो भाई अच्छा लगा, आप लोगों को भी इसकी रिव्यू अच्छा लगा होगा, भाई ऑनर रिव्यू दे रहे हैं बाइक बहुत ओके, अगर लेना है तो भाई आंख बंद करके ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट लाइक, डू कमेंट, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। भाई बाइक ने दिल खुश कर दिया, जैसे मैंने चलाई टूरिंग के हिसाब से तो ये बाइक बहुत ज्यादा अच्छी है, टूरिंग आप इस पे कर सकते हो भाई, कोई थकावट महसूस नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ये बाइक इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा कंफर्ट है भाई, काफी ज्यादा कंफर्ट है, मजा आ गया इस बाइक को चला के। तो इतना ही बोलूंगा, हिट लाइक, डू कमेंट, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में भाई, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, तब तक के लिए बाय बाय।